सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। दीपावली का जो त्योहार है, दीपावली की जो पूजा है वो स्थिर लग्न में होती है, और दूसरा उसके साथ प्रदोष काल भी निहित होना चाहिए। प्रदोष काल अब की बार शाम 5:27 से प्रारंभ हो जाएगा और 8:06 तक रहेगा। ये तो है प्रदोष काल की बात। और दूसरा, इसमें भी प्रदोष काल भी है और वृषभ लगन जो स्थिर लगन है, वृष लगन जो है वो रहेगा 5:57 से 7:53 तक। तो दोनों का आपको लाभ मिल रहा है, यानी आप 5:27 से और यानी 6:00 से 8:00 के बीच में पूजा कीजिए तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा, व्यापारियों के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी और गृहस्थ जीवन के लिए भी। सबके लिए ये समय उचित समय है पूजा करने का। और दूसरा, इसमें विशेष जो दीपावली के दिन रहता है कि हम अभिजीत मुहूर्त जो होता है, जैसे दोपहर में 11:44 से 12:18 तक अभिजीत मुहूर्त है, उसमें पूजा कर लीजिए दिन में आप। रात्रि में भी महानिषिद्ध काल होता है जो बहुत बहुत अद्भुत माना जाता है, वो है अब की बार रात्रि, वो भी 11:44 से लेकर के रात्रि 12:18 तक। संग्रामे संकटे च विघंतस्य न जायते श्रीमन्महागणाधिपत्ये नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को हम आसन के रूप में चावल प्रदान करेंगे, उनको आसन पुष्प और चावल देंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपत्ये नमः, आसनम समर्पयामि। आसन के पश्चात पादते पाद्यं समर्पयामि, उनके पैरों को धूपम अघाप्यामि। ओम दीपम ओम भूर्भुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम नवेदयामि। ओम भूभुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, नैवेद्यं नवेदयामि। ओम भूभुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, ऋतुफलं समर्पयामि। महालक्ष्मी पूजन के दौरान हम सर्वप्रथम गणाधिदेव गणपति जी की आराधना करते हैं, गणेश जी की स्थापना करते हैं और उनका पूजन करते हैं। पूजन करने का जो विधान आपने देखा वो वही होता है जो अतिथि, हम कोई भी अतिथि हमारे घर में आता है तो हम जो जो उनके साथ करते हैं, जैसे सर्वप्रथम कोई अतिथि हमारे घर आए तो हम उनको सबसे पहले बैठने के लिए आसन देते हैं। तो हम आसन भगवान गणेश जी को हमने आसन दिया, उसके बाद हमने उनके पाद्यम समर्पया, पैरों को धोया, हाथों को, और फिर हमने आचमन करवा करके पूरा स्नान करवा करके वस्त्र उपवस्त्र उनको दिए। अब वस्त्र धारण करने के पश्चात नहा धो के आदमी वस्त्र धारण करके क्या करता है, तिलकम समर्पयामि, तिलक करता है। नैवेद्यम, उसके बाद गंधक, जैसे गंध है हम कुछ भी इत्र परफ्यूम लगाते हैं वो सारा गंधन समर्पयामि, उसके पश्चात आदमी बैठ करके नैवेद्यम नैवेद्यामि खाना खाता है। खाना खाने के उपरांत आचमन कुर्यात, आचमन करता है और फिर ऋतुफलम समर्पयामि, जो भी ऋतु के फल है वो खाता है। ऋतुफल के उपरांत फिर क्या है, फिर आचमन समर्पयामि, आचमन करते हैं और उसके बाद दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि, दक्षिणा द्रव्य आदि देकर के। यही विधान है पूजा का कि हम देवताओं का आह्वान करते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी का हमने आह्वान किया, उनका पूजन किया और भगवान गणेश जी लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान है और उनके बाई तरफ विराजमान होते हैं, यानी गणेश जी के दाई तरफ लक्ष्मी जी विराजती हैं। उसके पश्चात हम षोडश मातृका का पूजन करेंगे। अभी षोडश मातृकाएं का पूजन करने के उपरांत फिर कलश स्थापना होगी, फिर महालक्ष्मी जी का पूजन होगा। तो अभी हम जो है
वेदों, नदियों, सागरों का आह्वान करके हम कलश को नमस्कार करते हैं। स्थापना के उपरांत नव ग्रहों का पूजन करते हैं, नव ग्रहों का आवाहन करते हैं। सर्वप्रथम भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः कलिङ्गदेशोद्भवः कश्यप गोत्रे रक्तवर्णः भोसूर्यः यागच्छः यावतिष्ठाय नमः सूर्याय नमः। ओम चंद्रमसे ओम भूर्भुवस्वः अत्रेय गोत्र शुक्रवर्णम् भो सोम यागच्छ यावतिष्ठाय सोमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि। ओम मंगल भगवान ओम भूर्भुवस्व अवंतिदेशवोद्भव भारद्वाज गोत्रे रक्तवर्णम् भो भोम यागच्छ यावतिष्ठा सोमाय नमः। दक्षिण दिशा में ओम प्रिय ओम भूर्भुवस्वः मगधदेशोद्भवः अत्र गोत्रे पीतवर्णा भो बुद्ध यागच्छ यावतिष्ठाय नमः। शान कोण में बुद्ध भगवान का ध्यान करेंगे। ओम बृहस्पति ओम भूर्भुवस्वः सिंधु देशोद्भवः अंग्रस गोत्रे पीतवर्णा भो गुरोः यागच्छ यावतिष्ठाय बृहस्पतये नमः बृहस्पति आवाहयामि स्थाप्यामि नमः। अब हम महालक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। सर्वप्रथम लाल फूल लेकर के उनका आह्वान करेंगे, उनको बुलाएंगे। ओम हिण्णवर्णम हरिम सुवर्णरत सदाम चंद्राभिन्मयम लक्ष्मीम जातवेदोम आवह। माँ जो कमल के आसन पर सुशोभित हैं, जिनकी कमर अत्यधिकृष है, जिनके नेत्र कमल के समान है, नाभि गहरी है, स्नान पुष्ट है, जो श्वेत वस्त्र धारण किए, जिनका दिव्य रूप मणि की आभा के समान सुंदर है, जो स्वर्ण कुंभ से धन वर्षा कर रही हैं तथा सदैव हाथों में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं, यही वो देवी लक्ष्मी जी मेरे घर में मंगल वर्षा करती हुई निवास करें। ओम आवाहयामि महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी आवाहयामि स्थाप्यामि नमः। महालक्ष्मी जी की पूजा के उपरांत हम महालक्ष्मी जी के 8 जो सिद्धियां हैं उनकी पूजा करते हैं, उनका नाम उच्चारण करते हैं और 8 दिशाओं 10 दिशाओं में उनकी। ओम अणिमे नमः पूर्वे ओम महिमने नमः अग्निकोणे ओम गरिमने नमः दक्षिणे ओम गांगिमने नमः नित्ये ओम प्रापत्ये नमः पश्चिमे ओम प्रागम्ये नमः वायव्ये ओम ईशात्यै नमः उत्तरे ओम वसिताय नमः ईशाने। ओम अष्टलक्ष्मी, शास्त्रों में लक्ष्मी जी के 8 रूप बताए गए हैं, जिसमें हम आज्ञा विद्या सौभाग्य अमृत काम सत्य भोग वियोग। महालक्ष्मी पूजन के समय लक्ष्मी के इन सब रूपों का जो हम पूजन करते हैं उच्चारण करते हैं। ओम आद्य लक्ष्मी नमः ओम विद्या लक्ष्मी नमः सौभाग्य लक्ष्मी नमः अमृत लक्ष्मी नमः काम लक्ष्मी नमः ओम सत्यम लक्ष्मी नमः ओम भोग लक्ष्मी नमः ओम योग लक्ष्मी नमः।